दोस्तों, जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ कई सारे लोग यहाँ पे विजिट करते रहते हैं, और जब वो यहाँ पे विजिट करते हैं तो अक्सर हमसे पूछते हैं कि आपके पीसी में जो शॉर्टकट क्रिएट किए हुए हैं, जैसे यूट्यूब का लोगो बना हुआ है, व्हाट्सअप का है, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जिनका लोगो बना हुआ है, डायरेक्टली मैंने शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है, तो पूछते हैं कि इनका ऐप तो आता नहीं, तो फिर आपके पीसी में ऐप कैसे दिख रहे हैं आपको? और जब आप डबल क्लिक करते हो तो इन तक पहुंच जाते हो, डायरेक्टली आप यूट्यूब को एक्सेस कर पाते हो, जबकि हमें अगर यूट्यूब को पीसी में चलाना होता है तो हमें ब्राउजर को ओपन करना होता है, youtube.com यहाँ पे सर्च करना होता है, उसके बाद में हम इसे एक्सेस कर पाते हैं। तो आपके पीसी में आपने शॉर्टकट कैसे क्रिएट किया, मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं, ये सब बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो ही बना लेते हैं। तो अगर आप नहीं जानते कि पीसी में शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, पीसी के अंदर बहुत ही आसानी से आप किसी भी पेज, किसी भी वेबसाइट का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। यहां पे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्रोम ब्राउजर के अंदर आप कैसे किसी भी वेबसाइट, किसी भी पेज का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास क्रोम ब्राउजर नहीं है तो वो भी आपको दिखा देता हूं, क्रोम ब्राउजर आपको कैसे डाउनलोड करना है। किसी भी ब्राउजर, आपको कोई भी एज या तो फिर ओपेरा, कोई भी ब्राउजर आपके पास है तो उसकी मदद से आप क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। और चलिए चलते हैं पीसी के रेसिडेंट पे, देखते हैं कि क्रोम ब्राउजर को या तो फिर हम किसी भी वेबसाइट यूट्यूब या तो फिर किसी अनदर वेबसाइट का कैसे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी पेज या किसी भी वेबसाइट का शॉर्टकट क्रिएट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप गूगल क्रोम को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल क्रोम बहुत ही अच्छा ब्राउजर है, इसमें आप बहुत आसानी से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सेव करके रखने के लिए बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो ओपेरा ब्राउजर या तो फिर एज ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आपके पास है करंटली, उसमें जाइए और यहाँ पे सिंपली सर्च कीजिए क्रोम। अब जैसे गूगल क्रोम या क्रोम सर्च करते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गूगल क्रोम का आ जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करना है, या तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेज पे आपको जब यहाँ पे डाउनलोड क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए। मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ सिंपली। चलिए मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको उस वेबसाइट का URL डालना है जिसका आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है, जैसे यूट्यूब का शॉर्टकट क्रिएट करना है तो आपको सिंपली youtube.com सर्च करना है। youtube.com सर्च करने के बाद आप यूट्यूब के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे उसके बाद में आपको जाना है राइट कॉर्नर में, टॉप में जाएंगे तो यहाँ पे आप 3 डॉट्स दिखते हैं आपको, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद माउस को आपको नीचे कर्सर को लेके आना है, मोर टूल्स पे जाना है। मोर टूल्स पे आपको जाने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा तो क्रिएट शॉर्टकट का, जैसे यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, जाना है मोर टूल्स में और यहाँ पे मोर टूल्स पे कर्सर लेके जाते हो, वैसे ही आपको क्रिएट शॉर्टकट का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसमें आपको यूट्यूब या तो फिर जो भी उस वेबसाइट का नाम रहेगा उसमें आ जाएगा, और उसके अलावा कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखना चाहते हैं, उसे हटा के कोई और नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे डेस्कटॉप पे, उसको हटा के कट करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक पहले से यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है यूट्यूब का, ये दूसरा शॉर्टकट क्रिएट हो गया है बहुत ही आसानी से। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हो तो डायरेक्टली हम यूट्यूब के अंदर आ जाएंगे, यहाँ से हमें ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें उस वेबसाइट का URL डालने की कोई जरूरत नहीं, डबल क्लिक करके हम डायरेक्टली इस पे आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसी और, चलिए इसे हम हटा लेते हैं, इसके अलावा जैसे कि आपको किसी पेज का, स्पेसिफिक पेज का अगर ये आपको URL डालना है, जैसे यहाँ पे UIDAI का वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर हमें आना है डायरेक्टली तो इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से जाकर हम जैसे आपको बता चुके हैं तो शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे किसी अगर स्पेसिफिक पेज पे आना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं तो हमें यहाँ पे UIDAI के वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे कुछ और हमें करना है। चलिए यहाँ से हम UIDAI के वेबसाइट पे आते हैं, ओके ये थोड़ा आगे फॉरवर्ड आगे थे, तो यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे वेरीफाई एंड आधार का नंबर का, आधार नंबर वेरीफाई करने का है, तो हमें इस वेबसाइट पे आने के बाद इस पेज पे डायरेक्टली आना है। तो इस पेज पे आने के बाद अगर इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है तो सेम ऐसे करना है, पेज पे आने के बाद मोर टूल्स पे यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट पे आपको क्लिक करना है और ये क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका लॉक हो गया और यहाँ पे आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस पे डबल क्लिक करते हैं तो UIDAI के वेबसाइट पे ना जाकर, वेबसाइट पर जाते हुए हम उस पेज पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, तो यहां से बहुत आसान होता है इस तरह से अगर शॉर्टकट क्रिएट करके हम रखते हैं तो इस तरह से आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहां पे शॉर्टकट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो व्हाट्सएप का बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप वेब आपको सर्च करना है, यहां पे सिर्फ व्हाट्सएप वेब आप सर्च करते हो, व्हाट्सएप वेब सर्च करने पर यहां पे web.whatsapp.com पे आ जाएंगे। अब यहां पे क्या होता है, व्हाट्सएप अगर आपको पीसी में चलाना है तो अपने एंड्रॉइड फोन से यहाँ पे स्कैन करना होता है इस QR कोड को, इसके बाद में यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। इसका शॉर्टकट आपको क्रिएट करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है, आपको मोर टूल्स पे जाना है, क्रिएट शॉर्टकट पे जाना है, व्हाट्सएप लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद में अगर आपको व्हाट्सएप एक्सेस करना है, व्हाट्सएप वेब आपको चलाना है तो आपके पीसी में डायरेक्टली इसे आप ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक करके, और यहाँ पे लॉगिन रहेगा तो यहाँ पे आप कीप मी साइन इन पे क्लिक करके रखिए, जिसके बाद में आप बार बार यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को। वैसे आपको बता दूं व्हाट्सएप या तो फिर यूट्यूब अगर आप पीसी में यूज करना चाहते हैं तो उसका भी ऐप भी आने लगा है पीसी के लिए। तो बस ये था, आप चलिए यहाँ से थोड़ा बाहर चलते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी वेबसाइट किसी भी पेज का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर की मदद से और उसे डायरेक्टली आप किसी अपने पीसी के डेस्कटॉप के ऊपर से एक्सेस कर सकते हैं। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को तो अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।